हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के बारे में, जिसका पिछले काफ़ी समय से पेरेंट्स को इंतज़ार था और ख़ास तौर पर जिन पेरेंट्स को क्लास फर्स्ट में एडमिशन कराना है अपने बच्चों का, उनको तो सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि उनको ये डर लग रहा था कि ऐसा ना हो डेट निकल जाए और हमारा बच्चा रह जाए। तो COVID-19 की वजह से ये नोटिफिकेशन बहुत देर से आई है और अभी ये नोटिफिकेशन 17 तारीख को, जो 17 जुलाई है अपना 2020, उसको जारी की गई है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, और कुछ गाइडलाइन 15 तारीख को भी जारी की गई थी केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, और एक शेड्यूल भी जारी किया गया था, साथ साथ में नोटिस भी जारी किया गया था केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से इस संबंध में, जिसकी एक कॉपी मेरे पास भी है इस समय। और इसमें सारी डिटेल दी गई है कि एडमिशन कैसे होगा, किस वेबसाइट पे आप करेंगे, किस डेट से ये स्टार्ट होगा और क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, जिसके कन्फ्यूजन्स आपके रहते हैं, जो मोस्टली आप लोग जो कमेंट ऑप्शन होते हैं उसमें अक्सर पूछते हैं। लेकिन मैं इस बार ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपके क्वेश्चन ही ना रहें और आपके कन्फ्यूज़न भी ना रहें, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर गाइड करने की कोशिश करूँगा। ये जो मेरे पास जो गाइडलाइन प्लस नोटिस और शेड्यूल, तीनों चीज़ें मेरे पास हैं, और मैं आपको एक जनरल इसमें क्राइटेरिया एक दे देता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन अभी आई है, इसमें जो नोटिस और शेड्यूल आया है वो 15 तारीख को जारी हुआ है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। और इसमें मैं बता दूं कि नोटिस में जो केंद्रीय विद्यालय ने जारी किया है उसमें है कि आप कब से किस वेबसाइट से बच्चों का एडमिशन शुरू कर सकते हैं और उस वेबसाइट का क्या एड्रेस है। जैसे मोस्टली ऐसा होता है कि आप लोग पूछते हैं वेबसाइट के एड्रेसेस, लोग हमें बताते हैं या आप लोग किसी से पूछते हैं, हम उनको बताते हैं, तो पता चला हम भूल जाते हैं और फिर हमसे अगर वो एड्रेस गलत हो जाए तो हमें वेबसाइट नहीं मिलती, फिर हमें लगता है पता नहीं गलत बताया सच बताया, हम किस वेबसाइट पर जाएं, क्या ये वेबसाइट ठीक है नहीं ठीक है, किसी दूसरी वेबसाइट से तो नहीं होगा जब हम गूगल पर सर्च करते हैं। तो ये सारा, कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न आपका ना रहे, ये सारी डिटेल आपको नोटिस में मिलेगी जो कि 15 तारीख को जारी किया गया है। दूसरा, एडमिशन का जो शेड्यूल है, शेड्यूल में ये सारी डिटेल है कि क्लास फर्स्ट का एडमिशन किस डेट से होगा, किस डेट तक होगा, और क्लास फर्स्ट के बाद की जो सेकंड क्लास से लेकर जो आगे की क्लासेस हैं उनके एडमिशन्स कब से शुरू होंगे, वो कब तक रहेंगे, ये सारी डिटेल डेट वाइज टाइम वाइज, और उसमें भी बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन दी रखी है जो कि आपको शेड्यूल में दी गई है। इसके अलावा जो गाइडलाइन जारी हुई है, जो कि 17 जुलाई को जारी हुई है, उसमें ये दिया गया है कि आप, आपके बच्चे की एज क्या होनी चाहिए, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, बच्चे की जो एज क्राइटेरिया है अगर कम है तो कितनी कम होनी चाहिए, ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर आप किसी वीकर सेक्शन से आते हैं, OBC या अदर कैटेगरी में है तो उसमें क्या रिलैक्सेशन है, कितने कितने परसेंट रिजर्वेशन किया गया है, अगर आपकी जॉब है या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आप आर्मी में हैं, आप किसी और में डिफेंस में, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। गाइडलाइन नहीं, 19 पेज की गाइडलाइन है वो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें अगर हम बेसिक चीज़ों को ही निकालें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गाइडलाइन है ये हर पेरेंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कम से कम आप वो गाइडलाइन उठाएं, उसमें से देखें और अपने मतलब का जो भी कन्फ्यूज़न है उसे वहाँ पर शॉर्ट आउट करें और क्लियर कर लें। साथ ही साथ जो शेड्यूल है कि कब ये स्टार्ट होगा कब नहीं होगा, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एकदम से याद नहीं रहती, हम इन्हें भूल जाते हैं और हम कौन कितनी बातें छोटी छोटी सी नोट कर अपने पास रखेंगे, तो इन ये सारी बातें आपके पास होनी चाहिए। तो इसका सलूशन मैंने ये निकाला है कि आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप उसको खोलिए और उसमें मैं इन तीनों चीज़ों के ऑनलाइन लिंक दे दूंगा आपको, जैसे ही आप उन्हें क्लिक करेंगे आपके पास PDF फाइल आ जाएगी और आप उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। आप चाहें तो फ़ोन में भी उसे जब चाहें देख सकते हैं या फिर आप उसको प्रिंट आउट निकाल के भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है हर पेरेंट के लिए कि आपके पास ये तीनों चीज़ें, ये तीनों गाइडलाइन नोटिस और ये शेड्यूल जो है वो तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप कहीं से भी साइबर कैफे से जाके इसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। नहीं चाहते हैं प्रिंट आउट तो आप अपने कम से कम फ़ोन में तो ये आपके पास रहेंगी और PDF फाइल में बहुत छोटी छोटी फाइल्स हैं।
तो इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से बाय नेम मैं लिखूँगा, इसमें शेड्यूल, फिर नोटिस और फिर गाइडलाइन, तीनों को मैं अलग अलग इसमें मेंशन कर दूँगा, जिससे कि आप उसे आराम से वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। फिर भी मैं जनरल एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस वीडियो से दे देता हूँ कि जो क्लास फर्स्ट के एडमिशन है वो 20 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, जो 10 बजे सुबह से ऑनलाइन इनका जो पोर्टल होता है उससे आप इसमें कर सकते हैं। अब आप ऑनलाइन पोर्टल की बात करेंगे तो मैं फिर बताता हूँ कि ऑनलाइन पोर्टल की पूरी जानकारी कि किस पोर्टल पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं या वहाँ से शुरू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सीधा उस फॉर्म को या फिर उस नोटिस को आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको कोई किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो। और जो इसकी लास्ट डेट होगी क्लास फर्स्ट के लिए वो होगी आपकी 7 अगस्त 2020, ठीक है। तो ये आपको लगभग 18-19 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको क्लास फर्स्ट के लिए। आप इन दिनों में अपने बच्चे के लिए जो भी प्रोसेस है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो पूरा तैयार कर लीजिए और जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं और आप उसमें नहीं देख पाएंगे, सोचते हैं कि कोई बता ही दे, तो आप इस आई बटन पर क्लिक करिए जो स्क्रीन पर है, या स्क्रीन को टच करिए, आई बटन आपको ऊपर दिखने लगेगा और उसमें जाकर जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है उसको जरूर देखिए और उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्राइटेरिया है या फिर क्या जो डॉक्यूमेंट्स आपको बच्चे के एडमिशन के लिए चाहिए। फिर साथ में इसमें जो जनरल इन्फॉर्मेशन में इसमें दिया है कि क्लास सेकंड या फिर उससे आगे के क्लासेस के लिए एडमिशन कब से शुरू होंगे, तो वो एडमिशन्स आपके शुरू हो जाएंगे 20 जुलाई से और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 25 जुलाई रहेगी। अब इसके बाद जो बाकी की डिटेल है, मैं समझता हूँ कि वो सारी आप उसमें जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीनों फॉर्म के लिंक दे दिए हैं और आप उसमें जाकर देखें, उससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, वो आपके पास होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं चाहूँ अपने वीडियो को खींचना तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें लेके बैठ जाऊँगा यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताने के लिए, लेकिन ये सही नहीं है। आपको अपने बच्चे के लिए जहाँ एडमिशन कराना है या बड़े बच्चे का एडमिशन कराना है, तो उसके लिए ये तीनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए और ये तीनों चीज़ों में सारी चीज़ें मेंशन है। आपको किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या गाइडलाइन है, क्या नहीं है, क्या शेड्यूल है, या क्या एज क्राइटेरिया है, या जो रिजर्वेशन है वो हमारे लिए कितना है। ये सारी चीज़ें टोटल डिटेल, या फिर कौन सा एडमिशन किस दिन शुरू होगा, किस दिन एंड होगा, ये सारी डिटेल आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई थिंक सो इस जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाके उन तीनों गाइडलाइंस को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, तो बहुत छोटी फाइल है, PDF फाइल है, आप आराम से अपने फ़ोन में उनको रख सकते हैं, जब चाहे उन्हें देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि एडमिशन शुरू हो गए हैं और आपको अब तैयार हो जाना चाहिए, पूरी तैयारी करिए बच्चों के एडमिशन के लिए, और बच्चों के एडमिशन के लिए तैयारी करके उनको फटाफट एडमिशन का प्रोसेस पूरा करके उनका दाखिला केंद्रीय विद्यालय में कराइए। तो आई थिंक सो कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप ये वीडियो देखते हैं तो इसका फीडबैक ज़रूर दें। फीडबैक देने के आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं और आप वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इससे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिससे आप आने वाले वीडियोस देख सकें। तो आई थिंक सो कि दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हम अगले वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।